हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BNS DeFi का प्लेटफॉर्म। सो ईल्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है कल रात को। सो ये टोकन, न्यू टोकन आया है BNSD। सो इस पर्टिकुलर टोकन को हम थ्रू ईल्ड फार्मिंग, इस पर्टिकुलर BNS.finance वेबसाइट के थ्रू हम BNSD टोकन को फॉर्म कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर कंप्लीट ईल्ड फॉर्मिंग का प्रोसीजर मैं इस वीडियो में डेमो दिखा दूंगा। सो आपको कैसे पार्टिसिपेट करना एंड इसमें कितना रिस्क है एंड कितना आप किस में इन्वेस्ट किया तो आपको लो रिस्क में रिटर्न्स मिल सकता है। सो सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देख लीजिए। सो आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो ओनली मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूं। सो क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं BNS टोकन का ईल्ड फार्मिंग के बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो इसलिए मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। सो आप देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग, हमको ये पर्टिकुलर जो भी आज इस पर्टिकुलर 2020 में बहुत सारे DeFi प्लेटफॉर्म्स एंड ईल्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म्स आया है। सो लास्ट कपल ऑफ वीडियोस भी बनाए मैंने, कुछ किमची फाइनेंस, सुशी फाइनेंस, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में ईल्ड फार्मिंग कैसे करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। सो फर्स्ट थिंग आपको अनाउंसमेंट के बारे में दिखा दूंगा। सो कल रात को इस अनाउंसमेंट आया, BNS DeFi न्यू टोकन लॉन्च हुआ है BNSD। सो इस पर्टिकुलर BNSD टोकन हमको ब्लॉक इस पर्टिकुलर ब्लॉक से माइनिंग स्टार्ट हुआ है एंड इस टोकन का रिटर्न्स ज़्यादा है एंड इस पर्टिकुलर टोकन का ब्लॉक रिवॉर्ड देख सकते हैं हम। सो फर्स्ट डे मतलब आज एंड ऑफ द डे माने हमको 1000 to 500 BNSD टोकन्स पर ब्लॉक मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे ओनली 500 BNS टोकन्स पर ब्लॉक मिलेगा एंड नेक्स्ट 7 डेज के लिए 500 to 250 BNSD टोकन्स पर ब्लॉक मिलेगा। सो ऐसा डिक्रीज होते जाएगा सो टिल 90 डेज। सो जो भी इसमें एनुअल इंटरेस्ट इधर दिखा रहा है सो ग्रेजुअली सेम वे में डिक्रीज होते जाएगा। सो ये एनुअल रिटर्न्स है गाइस। इसको हम कैलकुलेट किया तो 25,000 ईयरली रिटर्न्स डिवाइडेड बाय 365 डेज, मतलब हमको एवरी डे 68% रिटर्न्स मिल सकता है। सो ये 68% ओनली तब मिलेगा जब इस पर्टिकुलर टोकन का प्राइस एट सेम प्राइस में रहेगा। तो इनकेस BNSD टोकन प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर BNSD टोकन प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो भी आप ध्यान में रख लीजिए। सो ये यील्ड इस पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस के ऊपर भी डिपेंड रहता है। सो सेम वे ऐसा रिवॉर्ड्स रिड्यूस होते जाएगा एवरी डे। सो क्योंकि सप्लाई थोड़ा कम रिलीज होगा मार्केट में। सो अभी ये प्रोसीजर हमको बताने से पहले आपका अबाउट में आप चेक कर सकते हैं इसका कंप्लीट सप्ले। सो कल रात से अभी मॉर्निंग तक ऑलमोस्ट 2.21 मिलियन BNSD टोकन्स प्रिंट हुआ है एंड इसका मार्केट कैप है ओनली $23,000। सो इसका ग्राफ देख सकते हैं, ग्रेजुअली इसका प्राइस गिरते आ रहा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग अभी लॉन्च हुआ है एंड बहुत सारा जो भी कल रात से स्टार्टिंग किया माइनिंग उसको रिटर्न्स मिला होगा, ऑब्वियसली आके मार्केट में सेल करेगा। सो इसलिए आपको सिंपल एंड सेफ मेथड बताऊंगा। सो फर्स्ट थिंग, आपको इस पर्टिकुलर ईल्ड फार्मिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास मेटामास्क होना जरूरी है। सो मेटामास्क के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो ऊपर आई आइकन में मैंने कंप्लीट डिटेल डेमो बनाया है, एक मेटामास्क को कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें फंड्स कैसे लोड करना है, वो सारा डिटेल्स जाके वो वीडियो चेक कीजिए फर्स्ट, उसके बाद आप ये वीडियो पे आ जाइए। सो वंस आपका मेटामास्क रेडी होने के बाद आपको मेटामास्क में फंड्स लोड करना होगा, देन उसके बाद आपको ये फॉर्म एंड ट्रेड के ऑप्शन में जाना होगा। सो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा, आपको जिस पर्टिकुलर ये ईल्ड फॉर्मिंग आपको जो यूनिस्वैप में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते ना, उस लिक्विडिटी प्रोवाइड जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड किया तो आपको LP टोकन्स करके क्रेडिट होता है, यूनिस्वैप LP टोकन्स, उस पर्टिकुलर टोकन्स को आप इधर आके स्टेक किया तो उसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सो जो बिफोर इन्वेस्टिंग आप सिलेक्ट, फर्स्ट थिंग आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा पूल में आपको सबमिट करना है। सो ये हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स पूल है गाइस। इसमें आपको वन पोर्शन इथेरियम होना चाहिए, अदर पोर्शन BNSD रहना है। सो जो भी पूल्स इधर है इसमें 50-50 रेशियो में सेलेक्ट करना होगा कॉइन्स को। सो ये हाई रिस्क है, इसमें एक पोर्शन में BNSD भी रहेगा। सो इसको सेलेक्ट किया तो आपको इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा क्योंकि BNS का टोकन प्राइस अगर गिर गया तो आपका लॉस होने का चांसेस है जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया। अगर BNSD टोकन प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने का चांसेस है। सो ये हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स कैटेगरी है। सो इसमें भी जो भी आपको कितना लूज कर सकते हो उतना ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए
एंड सेकेंड पे रहे सेफेस्ट वन मेरे हिसाब से ये BNS एंड इथेरियम लिक्विडिटी. सो इसमें दोनों टोकन सेफ टोकन है, इसमें आपको अराउंड 10,000 का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है कम्पेयर टू अदर सेफ टोकन्स. सो ये भी थोड़ा सेफ टोकन है, बट इसमें हमको ओनली 2,000% मिल रहा है एनुअली. एंड ये इथेरियम बाकी सारा सेफ टोकन्स में भी आपको कम परसेंट मिल रहा है. सो सेफ टोकन्स में हाई रिटर्न्स वाला BNS एंड इथेरियम पेयर. सो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो ये थोड़ा सेफ है, इसमें आपको मैक्सिमम लॉस हुआ तो आपको गैस फीस लॉस होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. सो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर पूल को रिकमेंड करूँगा. देन अनदर थिंग, आपको अगर आप $2 वर्थ ऑफ टोकन इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एटलीस्ट $80 or $100 वर्थ ऑफ गैस फीस के लिए छोड़ना चाहिए वैलेट में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैस फीस लगने वाला है, आपको डेमो में दिखा दूंगा अभी. देन फर्स्ट थिंग, आपको पेयर सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर पेयर में रिकमेंड करूंगा. सो इसके बाद आपको इसमें ट्रेड बटन के ऊपर क्लिक करना होगा. सो वंस आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूनिस्वैप उस पर्टिकुलर पूल ओपन हो जाएगा. इधर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा. सो राइट साइड में फर्स्ट थिंग आपके पास जो भी पेयर में आप सबमिट कर रहे हैं, सो इथेरियम एंड BNS मेरे पास इक्वल पोर्शन में रहना है. सो अगर $500 इन्वेस्ट कर रहा तो $250 वर्थ ऑफ इथेरियम एंड $250 ऑफ BNS मेरा वैलेट में होना चाहिए. सो उसके लिए आप ट्रेड के ऊपर क्लिक कीजिए. देन इस पर्टिकुलर इधर आप आई अंडरस्टूड करके कंटिन्यू कीजिए. सो आप इस पर्टिकुलर विंडो से ही ट्रेड के लिए जाना है डायरेक्टली फ्रॉम BNSD वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारा फेक कॉइन्स भी हो सकता है यूनिस्वैप में. सो इसलिए आप इस पर्टिकुलर ऑफिशियल पेज से जाना होगा. सो इधर आप देख सकते हैं, अगर आप टू इथेरियम वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 इथेरियम को BNS में स्वैप करना होगा. सो स्वैप के ऊपर क्लिक कीजिए. देन कंफर्म स्वैप के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास स्वैप के लिए ऑलमोस्ट $7 का गैस फीस लगेगा. सो इस वीडियो में मैं वो नहीं दिखा रहा. सो वंस आप स्वैप करने के बाद आपके पास इक्वल पोर्शन ऑफ इथेरियम एंड इक्वल पोर्शन ऑफ BNS आपके वैलेट में ऐड हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. सो आपको सेकेंड स्टेप है, आपको ऐड लिक्विडिटी बटन दिखेगा ना इधर, इसको क्लिक करना होगा. देन इस पर्टिकुलर स्क्रीन में हमको जो भी 1 इथेरियम वर्थ ऑफ जो आपने परचेस किया 1 इथेरियम एंड 1 इथेरियम के साथ साथ आपको 1 इथेरियम वर्थ ऑफ BNS टोकन्स भी लिक्विडिटी में स्टेक करना होगा. सो वंस ये डिटेल्स एंटर करने के बाद इधर में बैलेंस नहीं है. सो आपको मेरा पुराना एग्जांपल एप दिखा दूंगा. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं किमची टोकन के थ्रू किया. सो इसमें आप जस्ट इस टोकन के बदले में आप BNS टोकन्स को कंसिडर कर सकते हैं. सो इस स्क्रीन में फर्स्ट थिंग आपको अप्रूव करना होगा. फर्स्ट आपको अप्रूव BNS टोकन्स को करना होगा, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम न्यू टोकन को आप इथेरियम इस पर्टिकुलर यूनिस्वैप में स्पेंड कर रहा है तो आपको अप्रूव करना होगा. सो अप्रूव BNS के ऊपर क्लिक कीजिए. देन आपको पॉपअप आएगा, फिर से कंफर्म कीजिए एंड गैस फीस जाएगा आपका. देन आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका अप्रूवल सक्सेस हो जाएगा. सो इधर देख सकते हैं अप्रूव किमची करके दिखा रहे हैं. सो आपको BNS दिखाएगा. सो सेम वे देन उसके बाद आपको सप्लाई करना होगा. सो अभी सप्लाई नहीं हुआ, ओनली अप्रूव किया ट्रांजेक्शन को. उसके बाद आपको सप्लाई बटन दिखेगा. सेम पोर्शन, 1 पोर्शन ऑफ इथेरियम एंड 1 पोर्शन ऑफ BNS टोकन्स. सो उसके ऊपर सप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपका ऐसा पॉपअप आएगा. इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं इधर आप मुझे इस पर्टिकुलर टोकन के लिए मुझे 9.77 LP टोकन्स मिल रहा है. सो सेम वे आपको BNS एंड इथेरियम सप्लाई करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ LP टोकन्स इधर मिलेगा. उस LP टोकन्स को हमको इस BNS फाइनेंस में जाके डिपॉजिट करना होगा. सो कंफर्म सप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए. फिर से आपको गैस फीस दिखेगा. जब मैंने किया बहुत ज़्यादा गैस फीस था, थोड़ा कम है फीस. सो वंस आप कंफर्म करने के बाद आपका लिक्विडिटी सक्सेसफुली प्रोवाइड हो जाएगा. सो इसका ट्रांजेक्शन लेन बहुत टाइम लगेगा, कभी कभी इमीडिएटली हो जाएगा. सो कुछ ही मिनट में मेरा देख सकते हैं एडेड लिक्विडिटी सक्सेसफुली. सो वंस आपका टोकन्स इस लिक्विडिटी में ऐड होने के बाद आपके पास LP टोकन्स ऐड हो जाएगा आपका मेटामास्क में. सो उस LP टोकन्स को आप जाके DeFi BNS.finance में आपको फार्म करना होगा. सो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ. मे बी टोकन का प्राइस इंक्रीज हो गया होगा इसलिए इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ. सो अगर टोकन प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको परसेंटेज भी इंक्रीज होते जाएगा एवरी डे. देन इधर आप आके फार्म के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इधर आपका जो भी अभी आपने LP टोकन्स अर्न किया इधर आपका वैलेट में दिख जाएगा. सो सारा LP टोकन्स फर्स्ट टाइम आपको इसमें भी स्पेंड करने से पहले आपको अप्रूव स्पेंड के ऊपर क्लिक करना होगा. फिर से एक पॉपअप आएगा. सो इसको अभी $3 लग रहा है. सो इसको अप्रूव कीजिए. सो वंस अप्रूव करने के बाद आपका जो भी टोकन्स अप्रूव है इधर वैलेट में दिख जाएगा एंड आपको स्टेक बटन आएगा.
सो अब सेकेंड टाइम आपको स्टेक के ऊपर क्लिक करना होगा. सो वंस आप स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टोकन जो है ऑटोमेटिकली स्टेक हो जाएगा एंड स्टेक्ड टोकन्स के पूल में ऐड हो जाएगा. सो इसके बाद आपको रेगुलरली आपको BNSD टोकन्स इधर से माइनिंग में दिखेगा. सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में एवरी सेकेंड आपको इंक्रीज होते जाएगा BNSD टोकन. सो अगर आपको विड्रॉ करना है तो क्लेम के ऊपर विड्रॉ करना होगा. सो इसमें फिर से जब भी आप विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर भी गैस फीस लगेगा एंड अनस्टेक किया तो भी आपको गैस फीस लगेगा. सो ये इसमें दोनों टाइम्स आपको डिपॉजिट करते टाइम एंड विड्रॉ करते टाइम दोनों टाइम आपको गैस फीस लगेगा, वो भी आप ध्यान में रख लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग. सो वंस आपका टोकन आने के बाद आप इसको क्लेम करके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा. उसके बाद आप फिर यूनिस्वैप पूल में जाके उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. सो ये है गाइस कंप्लीट डिटेल डेमो इस पर्टिकुलर BNSD यील्ड फॉर्मिंग के बारे में. सो इसका ज़्यादा रिटर्न्स है करके आप इस पर्टिकुलर पूल में इन्वेस्ट किया तो आपको लॉस होने का चांसेस है अगर BNSD टोकन प्राइस गिर गया तो. अगर BNSD टोकन प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा. सो ये थोड़ा हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स है. सो मैं ये पर्टिकुलर BNS एंड इथेरियम पूल को सजेस्ट करूंगा. थोड़ा कम रिटर्न्स है तो भी थोड़ा सेफ मेथड है ऑफ डूइंग यील्ड फॉर्मिंग. सो ये है गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट BNSD फाइनेंस. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको थोड़ा नया नॉलेज सीखने को मिला तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और भी मैंने 2-3 यील्ड फॉर्मिंग वीडियोस डाला है वो भी चेक कीजिए ताकि आपको लाइव डेमो मिलेगा. एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड अभी कुछ डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.